रविंद्र कुमार मेरठ, मेरे साथ में श्री योगी सुभाष चंद्र जी जानसठ से। आज हम इनके निवास स्थान पर नाथ संप्रदाय के धार्मिक चर्चा के लिए हम लोग बैठे हैं। अपने समाज का, अपनी जाति का उत्थान, उसका विकास, उसका नवनिर्माण, नए युवक को, नई पीढ़ी को किस तरह से विकास के तरफ अग्रसर कर सकते हैं, उसके लिए हम सब लोग जानसठ जिला मुजफ्फरनगर में इकट्ठे हुए हैं। मेरे साथ योगी सुभाष जी, योगी दिनेश जी, योगी उधर नितिन जी, इधर योगी राजेंद्र जी, योगी रविंद्र जी और आप प्रभात जी। हम सभी यहाँ पे एक धार्मिक चर्चा के लिए बैठे हैं कि हम अपने समाज का उत्थान कैसे ज्यादा कर सकते हैं। नहीं, सही है, छोटे हमारे माननीयवर श्री योगी सुभाष चंद्र जी अपने कुछ वक्तव्य उसके लिए आपके सामने रखेंगे। देखिए, मैं सुभाष, योगी सुभाष चंद्र जानसठ से हूँ। मेरा अपना एक विद्यालय है और मैंने 1981 से अपने जो पश्चिम उत्तर प्रदेश में उपाध्याय शब्द से हम लोग जाने जाते हैं, वैसे अगर गांव में जाते हैं जो के नाम से ही जाने जाते हैं, लेकिन ये टाइटल हमें मिला और हम इसको लिखते आ रहे हैं। मगर जो लाभ हमको मिलना चाहिए था उपाध्याय शब्द से, वो लाभ हमको नहीं मिल पाया, क्योंकि जो पूरब साइड के लोग हैं वो भी उपाध्याय लिखते और हम भी उपाध्याय लिखते हैं, तो उसका लाभ वो ले जाते हैं। इसलिए एक टीस, एक चषक हमारे अंदर आए कि जो हम समाज के लिए मेहनत करते हैं उसका लाभ हमें मिलना चाहिए, जो नहीं मिल रहा है तो, और राजनीतिक क्षेत्र में तो बिल्कुल नहीं मिल रहा। अब हम जो भी हमने प्रोग्रेस की है वो हम अपने बल पर की है, न कि राजनीति के बल पर। अगर हमारे साथ कोई लड़ाई झगड़ा फिसाद होता है, राजनीति पावर हमारी नहीं है, वो इसलिए क्योंकि हम उपाध्याय लिखते हैं, उपाध्याय का लाभ वो दूसरे लोग ले जाते हैं। तो आज हम ये चाहते हैं कि जो हमारी युवा पीढ़ी है वो अपने नाम के आगे या पीछे योगी ही शब्द ही लिखे, उससे ही हमारा उत्थान होगा। माननीय श्री योगी रविंद्र जी, कुछ अपने विचार व्यक्त कीजिए। जय योगी समाज, जय गुरु गोरखनाथ। मैं योगी रविंद्र कुमार मधुपक्का नाथ जी, जय हिंद, जय भारत, जय गुरु गोरखनाथ। योगी श्री राजेंद्र जी, मैं अपने विचार व्यक्त करते हुए कहना चाहता हूँ कि हमारा जो योगी शब्द है, जिसमें उस समय लोगों में हिंता आ गई थी इसे बोलने में, इसे कहने में, लेकिन आज का वो दौर जा चुका है, वो कोई समस्या रही होगी अपनी। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, आज की नव पीढ़ी आज शिक्षित है, रोजगार के साधन में पाने में सक्षम है, इसलिए योगी शब्द में ही हमारी समाज का उत्थान का रास्ता छिपा हुआ है। कृपया योगी शब्द नाम से पहले या बाद में जरूर लगाए। जय हिंद, जय भारत, जय योगी समाज। मैं एडवोकेट मोहित योगी सभी योगी समाज से एक गुजारिश करता हूँ कि सभी अपने नाम के पीछे योगी लगाएं, जिससे हम एक सूत्र में बंध जाएं और हमारा भी एक वजूद बने समाज के अंदर, देश के अंदर। जय हिंद, जय भारत। मैं योगी नितिन, जैसा कि ये सब लोग बता रहे हैं, मैं भी गुजारिश करता हूं कि सभी लोग अपने नाम के आगे या पीछे योगी लगाएं, इससे हमारी एकजुटता बनेगी और हमारा भी राजनीतिक स्तर बढ़ेगा। मैं योगी दिनेश नाथ, खेड़ा सरदना का मूल निवासी, वर्तमान समय के अंदर अजंता कॉलोनी मेरठ में रहता हूं। मैं LIC में भारतीय जीवन बीमा निगम में बीमा सलाहकार के पद पर पिछले 17 वर्षों से कार्यरत हूं। मैं अपने योगी समाज के बंधुओं से एक बात कहना चाहता हूं और विशेष तौर पर अपने युवाओं से एक बात कहना चाहता हूं कि हमारे युवाओं के अंदर ये बड़ी पीड़ा रहती है कि हमारे समाज का इतिहास की हमें जानकारी नहीं है। अनेकों बार अनेकों स्थानों पर मैं गया हूँ तो वहाँ समाज के मेरे लोग मिलते हैं, वो कहते हैं कि हमें इतिहास की जानकारी नहीं है। तो मैं समाज के उन बंधुओं से एक बात कहना चाहता हूँ, वर्तमान समय का सोशल मीडिया का जमाना है, सोशल मीडिया के माध्यम से
वो www.yogisamaj.com, www.nathsamaj.com, www.yogisamaj.com किसी भी पोर्टल पे जाके अपने नाथ समाज, अपने योगी समाज के बारे में पूरा इंसाइक्लोपीडिया के बारे में अध्ययन कर सकते हैं। और अध्ययन करने के बाद में जो उनके मन में विभिन्न प्रकार के प्रश्न आते हैं, उन प्रश्नों का हल भी उनके पास में स्वयं ही मिल जाएगा। उसके पश्चात वो स्वयं को गर्वित रूप से महसूस करेंगे कि हमारा समाज पहले भी सर्वश्रेष्ठ था और आज भी सर्वश्रेष्ठ है। मैं एक बात विशेष रूप से कहना चाहता हूँ कि हमारे उत्तर प्रदेश के जो माननीय मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ, वो भी हमारे नाथ संप्रदाय के ही हैं। वो माननीय मुख्यमंत्री जब मेरठ की धरती पर मुख्यमंत्री बनने के पश्चात पहली बार आए थे, तो उन्होंने पहली बार अपने भाषण में कहा था कि जिस कौम को उसका इतिहास पता नहीं होता तो उसका उस कौम का वजूद धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। तो इसलिए बंधुओं, मैं आप लोगों से विशेष तौर पर प्रार्थना करना चाहता हूँ, खासकर युवाओं लोगों से, कि अपने अपने समाज को पहचानो, अपने इतिहास को पहचानो, और अपने समाज के कोई भी व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में कार्यरत है तो जो अपने स्तर से आप लोग उसको मदद कर सकते हो, सहयोग कर सकते हो, तो उसको सहयोग करो। अपने अंदर किसी भी प्रकार की ग्लानी अपने अंदर उत्पन्न मत होने दो, और किसी भी प्रकार की पीड़ा अपने अंदर उत्पन्न मत हो, ठीक है। किसी महापुरुष ने कहा है कि जब तक तुम्हारे मस्तिष्क के अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं होगा, तब तक तुम सफलता के मार्ग की तरफ नहीं बढ़ सकते। इसलिए बंदों, में एक बात आपसे विशेष तौर से फिर दोबारा से कह रहा हूँ कि अपने माइंड के अंदर अपनी विल पावर को पहचानो, अपनी योग्यता को पहचानो, और अपनी योग्यता के अनुसार